हाय गाइस गाय आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी सॉरी बहुत लेट हो गया है बट अभी मैं शेयर कर रही हूँ सो प्लीज़ फॉर गिव मी सो फटाफट से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना सो so, मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक क्विक सा रिव्यू फॉर अ वेरी वायरल प्रोडक्ट जो कि है मैक का स्टैक मस्कारा जो कि इस तरीके की, की पैकेजिंग में आता है और ये मिनी पैकेजिंग है मैक के मिनी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कुछ ऐसी ही होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैक मिनी मस्कारा अब जल्दी से आपको बताती हूं कि ये क्या क्या क्लेम करता है तो इसमें है इनफेनाइट बिल्ड वॉल्यूम प्लस लेंथ मस्कारा सुपर स्टैक मेगा ब्रश आवर बिगेस्ट ब्रश फॉर इंस्टेंट वॉल्यूम एट फर्स्ट स्वाइप मतलब कि ये वॉल्यूम देगा एक ही स्वाइप में 95% फाइव परसेंट सॉ ग्रेविटी डिफाइनिंग वॉल्यूम प्लस एंड 95% फाइव परसेंट सेड मस्कारा बिल्ड्स एंडलेसली एंड नाइन्टी फाइव परसेंट सॉ इंस्टेंट लैश लिफ्ट एंड लेंथ तो मैं भी आपको ये लगा के दिखा दूंगी ठीक है कि ये क्या काम करता है एंड कंज्यूमर टेस्टिंग ऑन वन हंड्रेड एंड वुमेन आफ्टर यूजिंग प्रोडक्ट फॉर वन वीक ठीक है तो ये सारा क्लेम है भाई मैक का जो इन्होंने बॉक्स पे लिखा हुआ है ठीक है अब ये 1900 में आपको मिलता है और इसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है 8 एम की विच इज़ गुड एंड 36 सिक्स मंथ इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है और इसकी पैकेजिंग वगैरह जो है वो जितनी भी है तो तीन साल की इसकी सेल्फ लाइफ है इस मस्कारा की ठीक है एंड दैट्स इट ए हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर अंदर से कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता है दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है नो no डाउट बहुत अच्छा है और अभी मैंने अपनी आँखों पर मस्कारा नहीं लगाया है सो so मैं साथ ही साथ को अप्लाई करके भी दिखाऊंगी सो यहाँ पे दोनों तरफ से मैक यहाँ पे भी मैक लिखा है यहाँ पर स्टैक लिखा है दूसरी तरफ भी मैक स्टैक लिखा है इस तरीके की, की पैकेजिंग है पीछे आपको कुछ इफार्मेशन यहाँ पे मिलती है सो पीछे है ब्लैक स्टैक मस्कारा एंड 8 एम एल प्रोडक्ट क्वान्टिटी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं है और ये शो के लिए है इसका कोई भी यूज़ नहीं है बस ये ब्यूटीफुल सा कैप है इसका और इस तरीके से ये ट्विस्ट होके ओपन हो जाता है ठीक है सो ये ये साइज़ का आपको मिलता है मिनी में ये आप देख सकते हो अच्छा खासा साइज़ है एंड इसका जो एप्लीकेटर है वो कुछ इस तरीके का है बहुत ही फाइन ब्रिसल्स हैं और मतलब आ, इसको अगर कॉर्नर में लगाना है तो भी इससे लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और बीच में लगाना है साइड में लगाना है उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है सो या दैट इज़ दैट इज़ रियली गुड और ये कोई अंदर से पिंक नहीं है ब्लैक ही है तो आप इमेज में देख के कन्फ्यूज़ मत होना मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ तो बंद करने में ना थोड़ा सा मुझे टाइट लगता है ये अंदर जाने में और फिर लास्ट में ना ऐसे टक होता है लाइट सा ठीक है अब मैं ये जल्दी जल्दी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ सो so ये देखो ये एक स्वाइप में कुछ इस तरीके का है आपको डिफरेंस दिख रहा होगा डोंट गेट स्केयर्ड ठीक है अभी एक में ही लगा के मैं दिखा देती हूँ आपको दोनों में कंपेयर करके कि अब मैंने काफ़ी कोट लगाया है ठीक है अभी आप देख सक देख पा रहे हो लैशेस उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है इस साइड की जितनी कि इधर साइड की हो रही हैं और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको दिखा पाऊँ ठीक है और अब मैं आपको बता दूँ कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है तो लाइक स्मच प्रूफ वगैरह ये थोड़ा चल जाता है बट कम्प्लीटली मैं नहीं बोलूँगी एंड मैं स्क्रीन पे कहीं पे अभी वो इमेज इंसर्ट कर दूँगी कि मैंने ल्यूक वार्म वाटर से अपना फ़ेस वॉश किया था उसके बाद ये किस तरीके से ब्लीड कर गया तो भी मैं दोनों आँखों पर लगा के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ सो हेयर गो इज़ द फाइनल लुक और मैंने लगा लिया है अपनी आँखों पर मस्कारा और आप देख सकते हो कि आइज़ बहुत ही वेल well डिफाइंड लग रही है इसको लगाने के बाद से तो मुझे बताना ये रिव्यू आपको कैसा लगा एन आई सी यू इन माई नेक्स्ट रिव्यू वीडियो एंड तब तक के लिए टेक केयर बाय गाइज लव यू सो मच